हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बनाएंगे गलौटी कबाब। बहुत आसानी से बनता है ये। आठ दस हमने काजू लिए हैं, 10-12 बादाम, 1 स्पून चिरौंजी और 1 स्पून खसखस। ये 250 ग्राम हम लोगों ने मटन का घीमा लिया है, जिसको बारीक पीस लिया है मिक्सी में। ये थोड़ा कच्चा पपीता, इसका हम लोग पेस्ट बनाएंगे। ये पपीते का पेस्ट हमें कीमे में डालना है। एकदम बारीक सब मसाले हमें पीसने हैं। ये पेस्ट हमने पीस के इसमें डाल दिया है। ये जो हमने खसखस, बादाम और चिरौंजी का पेस्ट है काजू का, ये इसमें डालना है बारीक पीस, बिल्कुल पीस के। हाफ स्पून लाल मिर्च हमने डाला है। नमक आप स्वाद अनुसार डालें अपने हिसाब से। ये हाफ स्पून से भी कम हमने काली मिर्च डाली है। ये बहुत टेस्टी बनता है, बना के देखें। ये 2 स्पून हम लोगों ने पिसा नारियल लिया है, बिल्कुल नारियल को बिल्कुल बारीक पीस लिया है। ये कबाब मसाला हम लोग डाल रहे हैं 1.5 स्पून, 1 और हाफ स्पून के स्पून केवड़ा बटर डाल रहे हैं 1 स्पून। एक ही स्पून हम लोग को रोज़ बटर डालना है। ये प्याज को, एक प्याज है जिसको काट लिया, इसको ब्राउन प्याज करके इसको बारीक करके इसमें डालना है, एकदम बारीक करके डालना है। और ये इलायची और जावित्री का पाउडर 1/2 स्पून से भी कम डालना है। 3 स्पून हम लोगों ने बेसन को भून लिया, इसको भी डालना है। और सारा मसाला बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है, बहुत अच्छे से बढ़िया से इसको मिक्स करें। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब मसाले को बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमें। एक स्पून हमें ऑयल डालना है, इसमें रिफाइन ऑयल डालना है 1 स्पून हमें। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप ही बना के देखिए, बहुत टेस्टी बनता है ये। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसको ऐसे कर लेंगे हम लोग और एक कोयला जला लेंगे। फॉइल में कोयला रख देंगे, इसमें 2 इलायची छील के और इसको डाल देंगे। ऊपर से थोड़ा सा घी डाल देंगे, उसको बिल्कुल ढक देंगे तुरंत। देखिए अब इसको तुरंत ढक देंगे हम। इसको ढके रहने दीजिए 5-10 मिनट। ये देखिए निकाल लिया है। अब इसको आधे घंटे के लिए हम लोग रख देंगे ऐसे ही। फ्राई पैन लेंगे, इसमें तेल थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे, थोड़ा तेल। पानी लगा के इसका जितना बड़ा आपको शेप बनाना है आप इसको बना लें ऐसे करके कबाब। पानी लगा लगा के हम अपने हिसाब से शेप बना लेंगे। और खाने में बहुत टेस्टी है। ये देखिए हमारे कबाब तैयार हो गए हैं मीडियम फ्लेम पे। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा तेज़ आँच हो जाए तो धीमी कर दें आप। देखिए